press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो है 220 वोल्ट कंटिन्यूटी टेस्टर, या फिर आप इसको सीरीज बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ MDF बोर्ड जो कि 3mm का है, जो आपको लोकल फोटो फ्रेम वाली शॉप के ऊपर 10 से 12 रुपए पर फीट के हिसाब से मिल जाएगा। मैंने इसकी कटिंग कर ली है 5-pin सॉकेट और 2-pin प्लग और होल्डर की साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक 220 वोल्ट का होल्डर जो कि आपको 15 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5-pin सॉकेट जो कि आपको 15 रुपए में मिल जाएगा या 20 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। एक मैं यहाँ पे लूँगा ऑन ऑफ स्विच जो कि आपको 10 रुपए में मिल जाएगा कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप के ऊपर। तो ये दोस्तों अपना जो अपना प्रोजेक्ट है वो पूरा 50 रुपये या 40 रुपये के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं ये होल्डर के ओपन कर लेता हूँ जो कि हम बोर्ड के अंदर फिक्स करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, बहुत इजी होगा दोस्तों, मैं बहुत इजीली आपको समझा दूंगा और आप आसानी से इसके घर पे बना सकते हैं। और आप कोई भी कंपोनेंट या फिर वायर या फिर आपके कोई सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन कोई भी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर होल्डर फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अब 5-pin सॉकेट इसके अंदर लगा देता हूँ, फिर हम इसको नट बोल्ट की हेल्प से टाइट कर देंगे। वो भी मैं प्रोसेस आपको पूरा दिखाऊंगा जो कि आप घर पे आसानी से और बहुत ही चीप प्राइस में बना सकते हैं, और ये दोस्तों बहुत काम की चीज़ है। आपको अगर कोई सीलिंग फ़ैन है या फिर टेबल फ़ैन है, अगर वो उसकी वाइंडिंग सही है या फिर वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब आप इससे पता कर सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट हो आप आसानी से चेक कर सकते हैं, कोई भी वायर हो वो भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। आगे मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, पूरा वीडियो देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये मैंने नट बोल्ट वगैरह सब लगा दिए, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैं उसको और टाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने MDF का एक बॉक्स बना लिया। अब मैं एक वायर ले रहा हूँ, वायर को एक होल कर लिया मैंने, उसमें से निकाल के बाहर लेते हैं। अब इसके कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करने हैं। वो देखिए, इसमें जो हमने दो वायर लिए हैं उसका एक वायर हम स्विच के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए आप, उसके ऊपर कनेक्ट कर दीजिए। और एक जो वायर, दूसरा जो पॉइंट है वो आप 220 वोल्ट का जो होल्डर हमने लगाया था उसके एक सिरे पे लगा दें। पहला स्टेप ये हो गया, एक आपको लगाना है स्विच के ऊपर, दूसरा लगाना आपको होल्डर के ऊपर। अब आगे की प्रोसेस मैं आप दिखाता हूँ। एक वायर छोटा टुकड़ा और लेंगे हम, उसका एक सिरा हम लगाएंगे 5-pin सॉकेट के अंदर, दूसरा सिरा हम लगाएंगे होल्डर के अंदर। दूसरा स्टेप भी आप देख लीजिए पूरा, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। एक सिरा हो गया 5-pin सॉकेट के ऊपर, अब दूसरा सिरा है वो होल्डर के दूसरे पोर्ट के ऊपर लग जाएगा। अब हम एक और छोटा वायर लेंगे, कोई भी कलर ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, 220 वोल्ट में नेगेटिव पॉजिटिव वाला कोई चक्कर नहीं होता। तो अब ये तीसरा स्टेप है दोस्तों। तो जो 5-pin सॉकेट है, एक सिरा वायर का हम उस पर लगाएंगे, दूसरा सिरा हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे। ये तीन स्टेप में पूरे कनेक्शन बन के तैयार हो जाते हैं दोस्तों। इसके ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। लेकिन आपके साथ कोई बड़ा आदमी होना चाहिए, अगर आपकी एज छोटी, आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज कम है तो आपके साथ कोई बड़ा होना चाहिए। बहुत ही सेफ्टी में ये बनाया जाएगा, और उसका जो टेस्टर है वो भी सेफ्टी में ही काम करेगा क्योंकि इसमें करंट लगने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन की हेल्प से वायर को फिक्स कर देता हूँ और बोर्ड को भी इसके ऊपर फिक्स कर देता हूँ। मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखाऊँगा, आप देखते रहिए।
दोस्तों मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी का गिव अवे भी रखा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और आपके पास एक 12 वोल्ट 13 एम्पीयर की बैटरी जीतने का मौका रहेगा। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे बोर्ड फिक्स कर दिया है, हमें इसको साफ वगैरह कर दिया है, ये देखिए दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ ये कैसे काम करेगा, और मैं एक एक चीज़ आपको पंखा जो हमारा सीलिंग फैन होता है वो भी टेस्ट करके सब दिखाऊंगा, एक एक चीज़ मैं आसानी से समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 220 वोल्ट का एक्सटेंशन बोर्ड है उससे मैं कनेक्ट कर दिया है, देखिए कोई स्विच ऑन ऑफ का कोई काम नहीं कर रहा, इसके एक अलग से हमें एक वायर लेना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक 5 वाट का 220 वोल्ट का बल्ब कनेक्ट कर लिया है, ये देखिए मैंने एक वायर लिया है, उसके आगे 2 पिन प्लग मैंने लगा लिया है, बहुत आसान है दोस्तों। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ, मैं अब कनेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए कोई भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब मैं स्विच ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हम अपना बल्ब अच्छे से जल रहा है, देख लीजिए, देखिए बल्ब अपना अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं आपको एक केबल कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जो भी टेस्ट करें वो बहुत सावधानी से करें दोस्तों, इसमें करंट लग सकता है, अगर आप को ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ना करें, किसी बड़े को साथ लेके ही करें। ये दोस्तों 3 पिन प्लग के साथ एक वायर है, केबल है, जो कि मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि आपको हमको पता रहेगा कि ये सही है या नहीं है। तो हम एक सिरे पे वायर के एक सिरे पे फिर प्लग के दूसरे सिरे पे एक वायर कनेक्ट करेंगे, तो ये देखिए ये केबल बिल्कुल ठीक है, अगर ये शॉर्ट होती तो ये बल्ब नहीं काम करता। यहाँ पे अलग अलग वायर कनेक्ट करना है दोस्तों। अब मैं आपको एक सिंगल वायर भी लेके दिखाता हूँ, ये देखिए सिंगल वायर भी आप इससे चेक कर सकते हैं, मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। मैंने स्विच को कर दिया ऑन, ये देखिए अपना काम कर रहा है, अगर ये वायर सही है तो ये बल्ब जल रहा है, अगर ये वायर बीच में से ख़राब होता तो बल्ब नहीं जलता। मैं अब आपको एक डायोड चेक करके दिखा देता हूँ, अगर डायोड ख़राब होता तो ये बल्ब नहीं जलता, कोई भी सिरा ले लीजिए आसानी से काम करेगा, चाहे दोनों साइड से चेक कर लें आप कहीं भी, अपना जो डायोड है उसका भी हमें पता लग गया कि ये भी अपना सही है। अब मैं यहाँ पे एक फ़ैन आपको दिखाता हूँ कि ये फ़ोन जो हमारा फ़ैन है उसकी जो वाइंडिंग है वो सही है या नहीं है, वो इसमें पता लगेगा। तो वायर एक सिरा ले लीजिए और एक सिरे के ऊपर वायर कनेक्ट कर दीजिए जो हमारे पैरेलल का है, उससे पहले आप 2 पिन प्लग को मेन एक्सटेंशन बोर्ड से हटा दें। अब इसको कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए वायरिंग अच्छी है, अगर ये शॉर्ट होगी बॉडी पे टच कीजिए दोस्तों, कहीं भी अगर बॉडी पे टच हो रही है तो आपका पंखा जल चुका है, आपको इसको वाइंडिंग की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।